अगर जो आपकी बेटी होती तो क्या उसके लिए आपकी ख्वाहिशें या अच्छा कह सकता लगता। था कि अभी जैसे कि ये काम कर रही थी, आटा गूंदना और सब्जी काटना, ये सब चीजें बेटी होती तो शायद इनकी हेल्प करती। हाँ अच्छा लगता, बेटी होती तो मदद मिलती है। बेटे होते हैं मतलब, हालांकि वो बेटियों के साथ बेटियों जैसा कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो हेल्प होती है मम्मी पापा को बेटी की तरफ से वो नहीं मिल पाती ना। ये मेरे पापा को राखी बांधती थी बहुत शुरू से ही, तो कुछ भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा इमोशन हो रही है वो, क्योंकि सही बात है, जाहिर सी बात है। रक्षाबंधन का टाइम था और सभी बहन अपने भाइयों के राखियां बांधकर इस त्योहार का एंजॉय कर रहे थे। और वहीं मैंने अपने आसपास में एक फैमिली देखी जिसमें सिर्फ एक बेटा है और एक माँ है, उस माँ का भाई नहीं है। वो अब तक जो माँ थी वो अपने रिलेटिव्स इधर उधर राखी सेलिब्रेट करती थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इनसे राखी बनवाता हूँ और इनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान देखते हैं कि क्या होती है वो। मैं एक ऐसी फैमिली से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिन जो एक बहन है मतलब अपनी फैमिली में सिंगल है, उनका कोई भाई नहीं है। हालांकि भाई बहन रिश्तेदार होते हैं, अपने देशवासी होते हैं, लेकिन अपने सगे और रियल भाई और रियल बहन की बात अलग ही होती है, आप सभी को पता है, क्योंकि आज का करंट जमाने में कोई अपना नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं। सबसे पहले मेरे एक नेबर में एक फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा शरीफ है। तो उनका नाम है विजय। तो दीदी मुझे ये बताइए कि जैसे आज रक्षाबंधन का त्योहार है तो आप आपकी फैमिली में अकेली थी ना, शुरू से कोई नहीं रहा, तो राखी मतलब किस तरह से आपने शुरू से सेलिब्रेट किया? चाचा था के यहाँ पर शुरू से। तो अब जैसे कि हर किसी का भाई होता है तो एक भाई के लिए फीलिंग्स होती है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरा भाई है, मैं उसको उठ के राखी बांधूंगी, या फिर अलग अलग चीजें होती हैं। तो आपको कुछ फीलिंग्स तो आती होगी कि काश मेरा एक भाई होता, और वो मतलब एक रियल ब्रदर की अलग ही फीलिंग्स होती है, भले ही आपके चाचा के लड़के होते हैं, मामा के लड़के होते हैं। तो क्या मतलब फीलिंग्स आती थी, क्या सोचता लगता था, कुछ बताओ इसके बारे में। कुछ भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा इमोशन हो रही है वो, क्योंकि सही बात है, जाहिर सी बात है कि अब जैसे कि इनका भी एक लड़का है, इनकी कोई बेटी नहीं है, सिर्फ एक बेटा है। तो चलो मैं उससे बताता हूँ कि क्या फीलिंग्स होती हैं इनकी, बताओगे? ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा इमोशंस सीन है, या फिर कह दो कि मूवमेंट आता है कि जब हम अपनी भाई बहन के लिए या कोई बहन अपने भाई के लिए राखी बांधती है। तो ये शुरू से मेरे पापा को राखी बांधती आई थी, शुरू से अपने चाचा के भाइयों को मतलब राखी बांधने जाती थी। लेकिन आज आपने तुमने किसी को राखी बांधी? चाचा के लड़के को। ये चाचा के लड़के को राखी बांधने जाती हैं और आज सुबह भी राखी बांध कर आई हैं। यही आए थे, यही आए थे, यही पे बांध दी थी। ओके, तो अभी तक तूने किसी से राखी बंधवाई? इस टाइम दोपहर का 1 बज चुका है और अभी तक इनका जो बेटा है किसी मतलब कोई भी कोई रिलेटिव्स कहो या फिर कोई नेबर कहो, किसी ने अभी तक राखी नहीं बांधी। तो एक बहुत ज्यादा सैड मोमेंट कह सकते हो इसको, या फिर अजीब सा मोमेंट कह सकते हो, कि रक्षाबंधन के त्योहार पे जहाँ पर बहन भाई सुबह ही राखी बांध देती हैं, उस टाइम पर अभी तक कोई भी राखी का इसको नहीं मिला है। आप देख सकते हो इसके हाथ अभी तक खाली हैं और इसकी मम्मी की आंखों में आंसू आ चुके हैं। विजय बाबा बैठो ना 1 मिनट यहाँ पर। तो अभी मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि अगर जो इनकी बेटी होती तो इनको क्या फीलिंग्स होती, उसकी अहमियत के बारे में मुझे थोड़ा सा इनसे जानना है। हालांकि ये मोमेंट थोड़ा सा अलग है, लेकिन शायद ही आपको अच्छा लगेगा। अगर जो आपकी बेटी होती तो क्या उसके लिए आपकी ख्वाहिशें या अच्छा कह सकता लगता। था
कि अभी जैसे कि ये काम कर रही थी, आटा गूंदना और सब्जी काटना, ये सब चीजें, बेटी होती तो शायद इनकी हेल्प करती। हाँ, अच्छा लगता, बेटी होती तो मदद मिलती। बेटे होते हैं मतलब, हालांकि वो बेटियों के साथ, बेटियों जैसा कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो हेल्प होती है मम्मी पापा को एक बेटी की तरफ से, वो नहीं मिल पाती ना। ये मेरे पापा को राखी बांधती थी बहुत शुरू से ही, तो मेरे पापा अभी थोड़ा सा नहीं आ पाए जिसकी वजह से ये राखी नहीं बांध पाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि ये राखी मुझे बांधे और इनको फीलिंग आए कि हाँ ये भी किसी की बहन है। और हालांकि मैं भाई हूँ, लेकिन एक रियल भाई की तो अलग ही फीलिंग्स होती है। चलो ठीक है, राखी मुझे बांधो आप। ये पकड़ो। राखी लिया था करण? नहीं, काफी है अभी, मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन राखी लिया तो सही रहता ना। और ये मेरी बहुत ही अच्छी दीदी हैं, बहन है, और ऐसा आप कह सकते हो मम्मी जी भी जैसी हैं, हर तरह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा तुम खाओ। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, जिसने ये वीडियो देखी, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द रेड बेल आइकन, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। और इसी तरह से मैं और भी फैमिलीज, अपने फ्रेंड की फैमिली के पास जाऊंगा जिनकी कोई सिस्टर नहीं है, और शायद वो भी स्टोरी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू बोल दो, थैंक यू, सो स्वीट।